आज छोटी दिवाली पर हमने बनाए हैं आलू कटलस। तो विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। एमटी फूड ब्लॉग की तरफ से आपको दिवाली की शुभकामनाएं। तो आप भी इस तरह के आलू कटलस बनाना चाहते हैं तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं आलू कटलस। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो चलते हैं किचन में और बनाते हैं आलू कटलस। आलू कटलेट्स बनाने के लिए मैंने कुछ उबले हुए आलू लिए 8, और अदरक लिए, हरी मिर्च लिया, उसमें हरा धनिया है तो उसको हम कद्दूकस कर लेते हैं अच्छी तरह से, और ब्रिक साइड से करेंगे जिसमें मैश अच्छी तरह से हो जाता है। ऐसे ही मैं सारे आलू को कद्दूकस कर लेता हूँ। कुछ मैंने ये मसाले लिए हैं, जीरा है, अजवाइन है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, थोड़ा सा हल्दी है और हींग है, और स्वाद अनुसार नमक है। ये मैं इसमें डाल देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ। हरी मिर्च, अदरक सब इसमें मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। आलू में मिक्स कर दी, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर चाट मसाला डाल रहा हूँ। इसको भी मिक्स कर देते हैं। आलू में सारे मसाला मिक्स कर लिए हैं, तो कटलेट्स के लिए मैं इस पर जितने मैंने कटलेट्स बनाने हैं उसके हिसाब से मैं इसके बॉल्स बना लेता हूँ। मुझे आसान हो जाएगा कटलेट्स बनाने के लिए, तो मैं एक एक करके कटलेट्स बॉल बना लेता हूँ कटलेट्स के लिए। इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए, आपके कटलेट्स जल्दी बन जाएंगे, पैक करने में इजी हो जाएगा, और एक जैसे बनाएंगे तो हर कटलेट्स में एक जैसे ही आलू की स्टफिंग आएगी। फिर दिखाते हैं आपको। ये मैंने वाइट ब्रेड लिए, आप अपनी तरफ से ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। तो हाथ गीला करते हैं और ब्रेड को उसको सोक कराते हैं थोड़ा सा, बस इतना सोक कराना है, हल्का सा उसका पानी निकाल देना हमने दबा के, जितना भी निकल सके आराम से। और जो हमने बॉल बनाई है वो रखनी है इसके ऊपर और उसको फोल्ड कर देना है अच्छी तरह से, एक लड्डू का शेप दे देते हैं। इस तरह से इसके एक शेप दे दी हमने। सभी मैं ऐसे ही सभी को मैं तैयार कर लेता हूँ, दबाते हैं अच्छे से, पानी नहीं चल जाए इसका। ऐसे सभी कटलेट्स को राउंड शेप दे देता हूँ, और मेरे जो तैयार हो जाएंगे तो कुछ देर के लिए मैं इसको फ्रीजर में रखूँगा जिससे थोड़ी ये सेट हो जाए। फ्रीजर में रखता हूँ, जल्दी हो जाएगा, उसे 10 से 15 मिनट के रखता हूँ, थोड़ा ये सेट हो जाए आराम से। अगर आप इस तरह इसको फ्रीजर में भी रखोगे, एयर टाइट डिब्बे में पैक करके रख दो तो आपके कम से कम 10-15 दिन तक ख़राब नहीं होंगे। निकालिए और उसको डीप फ्राई या शैलो फ्राई जैसे अभी आपने करना है वो कर सकते हो। तो इसको मैं रखता हूँ फ्रीजर में, उसके बाद मैं इसको फिर फ्राई करूँगा। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। फ्रिज में से मैंने कटलेट्स निकाल लिए हैं और ये अच्छे सेट हो गए हैं, तो उसको हम डीप फ्राई कर लेते हैं। तेल गर्म हो रहा है हमारा, तो एक करके हम अपने कटलेट्स को डीप फ्राई कर लेते हैं, और मैं इसको हाफ फ्राई कर रहा हूँ। हाफ फ्राई मैं जब सर्व करूँगा उसके बाद मैं फुल फ्राई कर लूँगा, उससे और भी अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं। आप भी ऐसे ही एक बार हाफ
और दूसरी बार फुल फ्राई कर लीजिए, बहुत अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं। ऐसे ही मैं सभी कटलेट्स को हाफ फ्राई कर रहा हूँ पहले। अभी छेड़ेंगे नहीं जब तक थोड़ा सा ये क्रिस्पी ना हो जाए। ये हो गया तो अब मैं इसको निकाल लेता हूँ, फिर ज़्यादा करूँगा तो फिर एकदम ज़्यादा लाल हो जाएंगे। ऐसे मैं बाकी को तल लेता हूँ। ये वाले भी हमारे हाफ फ्राई हो गए हैं तो उसको भी निकाल लेते हैं हम। बाकी बचे हुए को भी हम आराम से ऐसे ही हाफ फ्राई कर लेते हैं। तो अपने कटलेट्स आलू रोल को फ्राई कर लेते हैं सेकंड टाइम। तेल मैंने गरम कर लिया है, ये पहले मैंने करे थे हाफ सारे के सारे। तेल अच्छा गरम है, अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो निकाल लेते हैं हम। बाकी भी डाल लेते हैं। ये भी हो गए हैं तो उनको भी निकाल लेते हैं हम। क्रिस्पी करारे बने हैं तो हमारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं सर्व के लिए। कितने क्रिस्पी बने हैं, कितने अंदर से सॉफ्ट हैं। आई होप आपको मेरे बनाए हुए रेसिपी पसंद आई होगी कटलेट्स की। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू वेरी हैप्पी दिवाली।